हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम कबीला ट्यूटोरियल्स। आज मैं अप्रैल थर्ड वीक 2016 के करंट अफेयर्स डिस्कस करूंगा। ये कैटेगरीज की लिस्ट हैं जो इस सेक्शन में कवर होंगी। फर्स्ट क्वेश्चन है, इस सोशल साइंस इंस्टीट्यूट के साथ सेंटर की PSU ने हाल ही में MOU साइन किए हैं। करेक्ट आंसर है कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज। एजुकेशनल कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड, जो कि एक PSU है, उसने हाल ही में KISS के साथ MOU साइन किया है। यह MOU एजुकेशन और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एरियाज में साथ काम करने के लिए किया गया है। EDCIL रिसर्च प्रोजेक्ट्स और कॉन्फ्रेंसेस को ऑर्गेनाइज करवाने के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट करेगी। KISS ट्राइबल चिल्ड्रंस के सोशल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक इनिशिएटिव है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं EDCIL चेयरमैन और MD दीप्तिमन दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑफशोर टैक्स इवेजन को टैकल करने के लिए हाल ही में भारत ने किस कंट्री के साथ कोलैबोरेट किया है? करेक्ट आंसर है USA। इसके साथ साथ शेयरिंग ऑफ क्रॉस बॉर्डर टैक्स इंफॉर्मेशन के कॉपरेशन में इंक्रीज के लिए इंडिया और US एग्री हुए हैं। यह एग्रीमेंट 6th US इंडिया इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पार्टनरशिप के दौरान फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली और US ट्रेजरी सेक्रेटरी जैकब ल्यू के बीच हुए। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, USA की कैपिटल Washington DC, करेंसी है US डॉलर, प्रेसिडेंट है बराक ओबामा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी कंपनी फ्री इंटरनेट सर्विस Wi-Fi के थ्रू 10 रेलवे स्टेशन को प्रोवाइड करवाएगी? करेक्ट आंसर है गूगल। गूगल ने रेलटेल के साथ, जो कि इंडियन रेलवेज की इंटरनेट प्रोवाइडर आर्म है, के साथ टाई अप किया है। इससे पहले पिछले साल गूगल ने फ्री Wi-Fi मुंबई सेंट्रल में लॉन्च किया था। अब यह पुणे, भुवनेश्वर, भोपाल, रांची, रायपुर, विजयवाड़ा, हैदराबाद, कोची और विशाखापट्टनम के स्टेशन को कवर करके 1.5 मिलियन पीपल को इंटरनेट प्रोवाइड करवाएगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गूगल के फाउंडर लैरी पेज सर्गी ब्रिन CEO हैं सुंदर पिचाई, फाउंडेड इन September 4, 1998। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया की रिन्यूएबल एनर्जी स्कीम के लिए किस ग्लोबल बैंक ने $250 मिलियन सैंक्शन किए हैं? करेक्ट आंसर है न्यू डेवलपमेंट बैंक। इंडिया उन पहली चार कंट्रीज में से है जिसने ब्रिक्स नेशन के न्यूली एस्टेब्लिश्ड बैंक न्यू डेवलपमेंट बैंक से लोन गेट किया है। NDB ने ये फंडिंग कैनरा बैंक को प्रोवाइड करवाई है। ब्रिक्स नेशन की मेंबर कंट्रीज हैं ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, NDB बैंक के प्रेसिडेंट KV कामत, हेडक्वार्टर है शंघाई, चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मसाला बॉन्ड्स को ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए RBI ने मसाला बॉन्ड के मैच्योरिटी पीरियड को कितने साल तक रिड्यूस कर दिया है? करेक्ट आंसर है 3 ईयर्स। नेक्स्ट, मसाला बॉन्ड वर्ड विदेशी बाजारों में इंडियन कंपनीज द्वारा रुपी डिनोमिनेटेड बोरोइंग्स को शो करता है। वर्ल्ड बैंक की इंटरनेशनल फिनेंस कॉरपोरेशन ने इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए 1,000 करोड़ रुपए के बॉन्ड इश्यू किए हैं। अगर मसाला बॉन्ड पॉपुलर होता है तो यह इंडियन इकोनॉमी के लिए एक प्लस पॉइंट हो सकता है। मसाला बॉन्ड्स फॉरेन इन्वेस्टर्स को इश्यू होते हैं और इनका सेटलमेंट US डॉलर्स में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस केमिकल पर यूनियन गवर्नमेंट ने एंटी डंपिंग ड्यूटी $149 तक इम्पोज कर दी है? करेक्ट आंसर है N-ब्यूटिल अल्कोहल। यह नोटिफिकेशन सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम की तरफ से आया है, जो कि 5 साल तक के लिए वैलिड होगा। N-ब्यूटिल अल्कोहल शुगर के फर्मेंटेशन में यूज होता है और यह 5 कंट्रीज से इंपोर्ट किया जाता है। एंटी डंपिंग ड्यूटी एक तरह की पेनल्टी है जो कि डोमेस्टिक गवर्नमेंट के द्वारा फॉरेन इम्पोर्ट्स पर इम्पोज की जाती है। ये पेनल्टी तब इम्पोज की जाती है जब इम्पोर्ट प्रोडक्ट की प्राइस फेयर मार्केट वैल्यू से कम हो। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, CBEC के चेयरमैन हैं श्री नजीब शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्विटर परफॉर्मेंस की बेस पर किस इंडियन मिनिस्टर को फर्स्ट रैंक दी गई है? करेक्ट ऑप्शन है सुषमा स्वराज। ये सर्वे PM ऑफिस के द्वारा कंडक्ट किया गया है। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर सुषमा स्वराज ट्विटर का यूज डिप्लोमेटिक इश्यूज और इंडिविजुअल केसेस को टैकल करने के लिए करती हैं। स्वराज के बाद रेलवे मिनिस्टर सुरेश प्रभु पैसेंजर्स की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए और मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पावर, कोल, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी पीयूष गोयल ट्विटर का यूज ज़्यादा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूक्रेन ने अपने
न्यू प्राइम मिनिस्टर के रूप में किसे नियुक्त किया है? करेक्ट आंसर है वोलोदोमीर ग्रोइसमैन। यूक्रेन के एमपीज ने मिस्टर ग्रोइसमैन के अपॉइंटमेंट को अप्रूव करने के लिए और फॉर्मर पीएम आर्सनी याट्सेन्यूक के रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट करने के लिए वोट किए। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, यूक्रेन की कैपिटल कीव, करेंसी है रिवनिया, प्रेसिडेंट है पेट्रो पोरोशेंको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ने नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी के चेयरपर्सन के रूप में किसे नियुक्त किया है? करेक्ट ऑप्शन है सुष्मिता पांडे। सुष्मिता पांडे हिमांशु प्रभा राय की जगह लेंगी। एनएमए मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर आता है और मॉन्यूमेंट्स और साइट्स के प्रोटेक्शन और प्रिजर्वेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड कल्चर डॉक्टर महेश शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन ने अपने नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किस इंडियन बॉक्सर को नियुक्त किया है? करेक्ट ऑप्शन है मैरी कॉम। आईबीए ने अपनी अपकमिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए मैरीकॉम को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है। मैरीकॉम ने अभी तक 5 वर्ल्ड चैंपियनशिप गोल्ड मेडल्स जीते हैं। कजाकिस्तान की कैपिटल आस्टाना वर्ल्ड की 300 से ज़्यादा टॉप फीमेल बॉक्सर्स को एआईबीए वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए होस्ट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जेएस शेखन का निधन हो गया है, वे क्या थे? करेक्ट आंसर है पंजाब लोकपाल जस्टिस। रिटायर्ड जस्टिस जेएस शेखन कैबिनेट मिनिस्टर मिस्टर जनमेजा के बड़े भाई थे। 2012 में उन्हें लोकपाल पंजाब के लिए अपॉइंट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यानंद मुंजाल जिनका हाल ही में निधन हो गया है वे किसके को-फाउंडर थे? करेक्ट ऑप्शन है हीरो साइकिल्स ग्रुप। मुंजाल महात्मा सत्यानंद मुंजाल नाम से भी प्रसिद्ध थे। उनके द्वारा बहादुर चंद मुंजाल आर्य स्कूल्स, हीरो डीएमसी हर्ट इंस्टीट्यूट और दयानंद मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल भी बनाए गए। फर्स्ट क्वेश्चन है, देश की पहली मैरीटाइम इंडिया समिट 2016 पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा कहां पर इनॉग्रेट की गई? करेक्ट आंसर है मुंबई। इसका मेन एजेंडा ऑनपोर्ट लेड डेवलपमेंट पर बल देना है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2025 तक पोर्ट की कैपेसिटी को 3000 मिलियन टन तक बढ़ाने के लिए पोर्ट सेक्टर में 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश करने की योजना बनाई है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई, सीएम है देवेंद्र फडणवीस, गवर्नर है सी विद्यासागर राव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विडोज के लिए किस स्टेट ने भीमराव अंबेडकर आवास योजना शुरू की है? करेक्ट आंसर है झारखंड। इस स्कीम का बजट 80,000 करोड़ रुपए है और इस स्कीम का इस फाइनेंशियल ईयर में विडोज को 11,000 घर देने का टारगेट है। हिली टेरेंस में घर बनाने के लिए 75,000 रुपीज़ सेंक्शन किए गए हैं और प्लेन एरियाज में घर बनाने के लिए 70,000 रुपीज़ सेंक्शन किए गए हैं। ये सेंक्शन की गई अमाउंट बेनिफिशियरीज को 3 इंस्टॉलमेंट्स में दी जाएगी। इस योजना के अंतर्गत विडोज को पेंशन भी दी जाएगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, झारखंड की कैपिटल रांची, चीफ मिनिस्टर हैं रघुबर दास, गवर्नर हैं द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एयरबेस का नाम एयरफोर्स के मार्शल अर्जन सिंह के नाम पर रखा गया है? करेक्ट आंसर है पनागर एयरबेस। यह पहली बार है जब किसी इंडिविजुअल के नाम पर एयरबेस का नाम रखा गया है। पनागर कोलकाता से 150 किलोमीटर की दूरी पर है। गवर्नमेंट ने अर्जन सिंह को मार्शल ऑफ द इंडियन एयरफोर्स की रैंक से 28 जनवरी 2002 को ऑनर किया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, पनागर एयरबेस को सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान 1944 में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस इंडियन सिटी को 50 फ्यूचर रेडी सिटीज की लिस्ट में 44th रैंक पर रखा गया है? करेक्ट आंसर है दिल्ली। यूएस बेस्ड कंपनी डेल ने दिल्ली को 50 फ्यूचर रेडी सिटीज की लिस्ट में 44th रैंक पर रखा है। लिस्ट में टॉप पोजीशन पर कैलिफोर्निया की सिटी सैन जोस है। ग्लोबल 50 रैंकिंग में इन सिटीज की पोजीशन को ह्यूमन कैपिटल, इंफ्रास्ट्रक्चर्स और कॉमर्स के बेस पे इवेल्युएट किया गया है। ये उस लिस्ट में से टॉप 10 सिटीज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूयॉर्क के मेयर ने 14 अप्रैल को किस डे के रूप में डिक्लेयर किया है? करेक्ट आंसर है बिंदेश्वर पाठक डे। पाठक एक इंडियन सोशल एक्टिविस्ट और सुलभ इंटरनेशनल के फाउंडर हैं। सुलभ जिसमें 50,000 पीपल हैं, उन्होंने 1.3 मिलियन हाउसहोल्ड टॉयलेट्स और 54 मिलियन गवर्नमेंट टॉयलेट्स कंस्ट्रक्ट किए हैं। ये सारे टॉयलेट्स इनोवेटिव डिजाइन पे बेस्ड हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है न्यूयॉर्क के मेयर बिल दे ब्लासियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा स्टेट एल्कोहल कंटेंट के साथ मेडिकल ड्रग्स को बैन करने जा रहा है? करेक्ट आंसर है बिहार। बैन की गई मेडिसिन्स में मोस्टली एनाल्जेसिक, एंटी डिप्रेसेंट
और साइकोटिक कंडीशंस वाली दवाइयाँ शामिल हैं। बिहार में अल्कोहल पे बैन लगने के बाद अब गवर्नमेंट ने इन मेडिसिन्स पे भी बैन लगा दिया है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, बिहार की कैपिटल पटना, चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार, गवर्नर हैं रामनाथ कोविंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंबई प्रेस क्लब्स लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2016 के लिए किसे दिया जाएगा? करेक्ट आंसर है टी एन नीनन। टी एन नीनन बिजनेस स्टैंडर्ड ग्रुप के चेयरमैन और एडिटोरियल डायरेक्टर हैं। उन्हें यह अवार्ड जर्नलिज्म की फील्ड में दिया जाएगा। जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड एनडीटीवी इंडिया के सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर रविश कुमार को दिया जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई, सीएम है देवेंद्र फडणवीस, गवर्नर है सी विद्यासागर राव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुद्रा गौरव श्रेष्ठ को किस कंट्री के लिए भारत के अगले हाई कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर है रिपब्लिक ऑफ मोजम्बिक। रुद्रा गौरव श्रेष्ठ जो कि मिनिस्ट्री में डायरेक्टर हैं, उन्हें रिपब्लिक ऑफ मोजम्बिक में भारत के अगले हाई कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिपब्लिक ऑफ मोजम्बिक की कैपिटल मैपूटो, करेंसी है मेटिकल, प्रेसिडेंट है फिलिप न्यूसी। वर्ल्ड में मोजम्बिक का फ्लैग एकमात्र ऐसा फ्लैग है जिसमें मॉडर्न वेपन का सिंबल दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात की पहली महिला डीजीपी का क्या नाम है? करेक्ट आंसर है गीता जौहरी। गीता जौहरी को एडीजीपी की रैंक से प्रमोट कर डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बना दिया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, गुजरात की कैपिटल गांधीनगर, चीफ मिनिस्टर हैं आनंदीबेन पटेल, गवर्नर हैं ओपी कोहली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्टेट की एनआईटी में एक नया सुपर कंप्यूटर जिसका नाम परम कंचनजंगा है को लॉन्च किया गया है? करेक्ट आंसर है सिक्किम। परम कंचनजंगा सबसे फास्टेस्ट और पावरफुल सुपर कंप्यूटर है जो कि देश की 31 एनआईटीज में है। इस सुपर कंप्यूटर को पुणे बेस्ड सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग और एनआईटी सिक्किम ने जॉइंटली डेवलप किया है। इस सुपर कंप्यूटर की टोटल कॉस्ट है 3 करोड़ रुपीज। सुपर कंप्यूटर एक जनरल पर्पस कंप्यूटर के कंपैरिजन में हाई लेवल कंप्यूटेशनल कैपेसिटी का कंप्यूटर है। इन्हें 1960s में इंट्रोड्यूस किया गया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, सिक्किम की कैपिटल गंगटोक, सीएम है पवन चामलिंग। फर्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस के ड्राइवर कर्नल निजामुद्दीन जो विश्व में सबसे लंबी उम्र वाले व्यक्ति हैं, उनकी क्या एज है? करेक्ट आंसर है 116 साल। उनका वोटर आइडेंटिटी कार्ड और पासवर्ड ये प्रूव करता है कि उनका बर्थ ईयर 1900 है। इस फरवरी में जैपनीज मैन जिसे वर्ल्ड का सबसे ज्यादा उम्र वाला व्यक्ति माना जा रहा था, उसका 114 साल की एज में निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट चरखा कहाँ पर डिस्प्ले किया जाएगा? करेक्ट आंसर है आईजीआई एयरपोर्ट। इसे दिल्ली के एयरपोर्ट पर इंस्टॉल किया जाएगा ताकि ताकि इंडिया के नॉन वायलेंस सिंबल को पूरे वर्ल्ड को शो किया जा सके। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, दिल्ली एयरपोर्ट ने 2015 में दो अवार्ड्स जीते। फर्स्ट है द बेस्ट एयरपोर्ट अवार्ड इन सेंट्रल एशिया इंडिया, सेकेंड अवार्ड है बेस्ट एयरपोर्ट स्टाफ इन सेंट्रल एशिया इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन आर्मी राजस्थान में एक एक्सक्लूसिव बैटल एक्सरसाइज कंडक्ट करवाने जा रही है, इस एक्सरसाइज का क्या नाम है? करेक्ट आंसर है शत्रुजीत। आर्मी की एलाइट स्ट्राइक वन कॉप्स इसे कंडक्ट करवाने जा रही है। यह एक्सरसाइज इंटीग्रेटेड एयर लैंड बैटल एनवायरनमेंट में एनिमी की टेरिटरी में स्ट्राइक डीप की कैपेबिलिटी को टेस्ट करेगी। इस एक्सरसाइज में 30,000 सोल्जर्स पार्टिसिपेट करेंगे। शत्रुजीत मेनली वैलिडेटिंग इंटीग्रेटेड बैटल थिएटर फाइटिंग कंसेप्ट, इनकॉर्पोरेटिंग न्यू एज ऑफ टेक्नोलॉजीज, वेपन प्लेटफॉर्म्स और सिस्टम, उसके साथ साथ लॉन्ग रेंज प्रिसीजन टारगेटिंग वेक्टर्स पर फोकस करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंट्री की मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी ने इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के साथ एमओयू साइन किया है? करेक्ट आंसर है सिंगापुर। यह एमओयू इनोवेशन में कोलैबोरेशन, एंटरप्रेन्योरशिप और रिसर्च में 5 साल के लिए किया गया है। इस एमओयू के जरिए दोनों देश बिजनेस मॉडलिंग पर आइडियाज कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, टेक्नोलॉजीज का कमर्शियलाइजेशन कर सकते हैं और कंपनीज को इंटरनेशनल मार्केट्स के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, सिंगापुर के प्रेसिडेंट टोनी टैन, करेंसी है सिंगापुर डॉलर, प्राइम मिनिस्टर है ली साइन लूंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नबरंगपुर जो कि एक पुअरेस्ट डिस्ट्रिक्ट है, उसे एक गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज अलॉट हुआ है, यह डिस्ट्रिक्ट किस स्टेट में आता है? करेक्ट आंसर है उड़ीसा। कॉलेज की डेवलपमेंट कॉस्ट 8.87 करोड़ रुपीज है। यह कॉलेज आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस स्ट्रीम्स ऑफर करेगा।
प्रोजेक्ट की फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा 65-35 के रेशो में की जाएगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर, सीएम है नवीन पटनायक, गवर्नर है एससी जामीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ब्स ने अपनी पहली ग्लोबल गेम चेंजर्स लिस्ट रिलीज की है, इस लिस्ट में कितने इंडियन हैं? करेक्ट आंसर है 3। इस लिस्ट में टॉप पोजीशन पर salesforce.com के मार्क बेनियॉफ हैं और फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग 30th रैंक पर हैं। इंटरग्लोब एंटरप्राइजेज के राहुल भाटिया 3rd पोजीशन पर हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साइरस पुनेवाला 23rd पोजीशन पर हैं। जेम्स एजुकेशन के सन्नी वार के 26th पोजीशन पर हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, फोर्ब्स के फाउंडर बीसी फोर्ब्स, फाउंडेड इन 1917, सीईओ हैं माइकल पेरलिस, हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क यूएस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनियन गवर्नमेंट ने किस कंट्री के हिंदू पीपल जो कि इंडिया में लॉन्ग टर्म वीजा पर रह रहे हैं उन्हें प्रॉपर्टी खरीदने, बैंक अकाउंट ओपन करने, पैन कार्ड बनवाने और आधार कार्ड बनवाने के लिए अलाउ कर दिया है? करेक्ट आंसर है पाकिस्तान। गवर्नमेंट ने इसके साथ साथ भारत के सिटीजन के रूप में रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए फीस में भी रिडक्शन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिफरेंशियल बेसिस पर लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन को शेयर इशू करके कौन सा बैंक 178 करोड़ रुपीज रेज करने जा रहा है? करेक्ट आंसर है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। यह डिसीजन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग जो कि 29 मार्च को हुई थी उसमें लिया गया। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ओबीसी फाउंडेड इन फेब्रवरी 1943, हेडक्वार्टर हैं हरियाणा, सीईओ हैं अनिमेश चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2016 में सुल्तान अलजान शाह कप हॉकी टूर्नामेंट किसने जीता है? करेक्ट आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ये टूर्नामेंट मलेशिया में हुआ था, इसमें ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को 4-0 से हराया। ऑस्ट्रेलिया ने इस टूर्नामेंट को 9वीं बार जीता है जो कि एक रिकॉर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन मेडिसिन के रिसर्चर्स ने हाल ही में अंधेरे में देखने के लिए फिश इंस्पायर्ड लेंस क्रिएट किए हैं, ये यूनिवर्सिटी किस कंट्री में है? करेक्ट आंसर है यूएसए। साइंटिस्ट ने ये आर्टिफिशियल आईज बनाने के लिए लॉबस्टर के बेस्ट फीचर और फिश को कंबाइन किया है जो कि डार्क में भी देख सकती हैं। इसका यूज सर्जिकल प्रॉब्स, सर्च और रेस्क्यू रॉबर्ट्स और प्लैनेट सीकिंग टेलीस्कोप्स में किया जा सकता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, यूएसए की कैपिटल वॉशिंगटन डीसी, करेंसी है यूएस डॉलर, प्रेसिडेंट है बराक ओबामा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस डे को वर्ल्ड हीमोफीलिया डे मनाया जाता है? करेक्ट आंसर है 17 अप्रैल। यह डे हीमोफीलिया और दूसरी ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स के लिए एक अवेयरनेस डे है। यह डे सबसे पहली बार 1989 में एस्टेब्लिश हुआ था। 17 अप्रैल की डेट को WFH के फाउंडर मिस्टर फ्रैंक स्क्नेबल के ऑनर में चूज किया गया था। 2016 की थीम है ट्रीटमेंट फॉर ऑल द विजन ऑफ ऑल। हीमोफीलिया क्या है? जब कोई आदमी हीमोफीलिया के बिना होता है, या फिर क्लॉटिंग फैक्टर का नॉर्मल लेवल होता है, या फिर ब्लड में प्रोटीन होता है, तो इसके कारण ब्लड में क्लॉट होने लगता है और ब्लीडिंग। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस किंग ने ब्रिटिश एम्पायर को कोहिनूर डायमंड गिफ्ट किया था? करेक्ट आंसर है महाराजा रणजीत सिंह। ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एंड सोशल जस्टिस फ्रंट ने सुप्रीम कोर्ट में पेटिशन जारी की है जिसके अंतर्गत उन्होंने यह मांग की है कि कोहिनूर डायमंड और टीपू सुल्तान की स्वॉर्ड को यूनाइटेड किंगडम द्वारा भारत को रिटर्न कर देनी चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह ऑर्डर किया है कि कोहिनूर डायमंड ब्रिटिश से बिलोंग करता है और ना तो इसे चुराया गया है ना ही फोर्सिबली लिया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वर्ल्ड लार्जेस्ट डायमंड क्यूलिनन डायमंड, बिगेस्ट डायमंड माइन इन द वर्ल्ड जुबली रशिया, डायमंड माइन इन इंडिया कोलूर माइन आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तात्या टोपे के मार्टियर डे पे कोमेमोरेटिव कॉइन्स और सर्कुलेशन कॉइन किसने रिलीज किए हैं? करेक्ट आंसर है महेश शर्मा। महेश शर्मा जो कल्चर एंड टूरिज्म एंड सिविल एविएशन के मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, उन्होंने 200 रुपीज़ के कॉमेमोरेटिव कॉइन्स और 10 रुपीज़ के सर्कुलेशन कॉइन्स रिलीज किए हैं। कॉमेमोरेटिव कॉइन्स वो कॉइन्स हैं जिन्हें कॉमेमोरेट को इशू किए जाते हैं। सर्कुलेटिंग कॉइन्स वो कॉइन हैं जो कि कॉमर्स द्वारा यूज किए जाते हैं, लेकिन इनको लिमिटेड टाइम के लिए ही इशू किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सिटी में गंगा रिवर बेसिन मैनेजमेंट एंड स्टडीज के लिए नया सेंटर लॉन्च किया जा रहा है? करेक्ट आंसर है न्यू दिल्ली।
मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजर्वनेशन IIT कानपुर के साथ कोलैबोरेशन में नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा प्रोग्राम के अंतर्गत गंगा रिवर बेसिन मैनेजमेंट एंड स्टडीज़ के लिए न्यू दिल्ली में सेंटर लॉन्च करने जा रहा है। मिनिस्ट्री ने IIT कानपुर के साथ गंगा रिवर बेसिन मैनेजमेंट प्लान के इम्प्लीमेंटेशन और इवोल्यूशन में साइंटिफिक सपोर्ट के लिए 10 साल का MOU साइन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिन्यूएबल एनर्जी के लार्ज स्केल इंटीग्रेशन पर किस मिनिस्टर ने टेक्निकल कमेटी की रिपोर्ट जारी की है? करेक्ट आंसर है पीयूष गोयल। कंट्री में रिन्यूएबल के लार्ज स्केल इंटीग्रेशन को फैसिलिटेटिंग करने के लिए कमेटी ने 15 पॉइंट एक्शन प्लान पब्लिश किया है। इसके साथ साथ कमेटी ने एंसिलरी सर्विसेज ऑपरेशंस भी लॉन्च किए हैं। एंसिलरी सर्विसेज ऑपरेशंस एक तरह से इलेक्ट्रिक ग्रिड द्वारा प्रोवाइड की गई सर्विसेज और फंक्शंस हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी के कंटिन्यूस फ्लो को सपोर्ट और फैसिलिटेट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैनासोनिक और AES किस स्टेट में इंडिया का पहला एनर्जी स्टोरेज प्रोजेक्ट इंस्टॉल करने जा रहा है? करेक्ट आंसर है हरियाणा। यह एक 10 MW जॉइंट एनर्जी स्टोरेज प्रोजेक्ट है जो कि हरियाणा के झज्जर डिस्ट्रिक्ट में इंस्टॉल किया जाएगा। यह इंडिया का पहला लार्ज स्केल बैटरी बेस्ड एनर्जी स्टोरेज प्रोजेक्ट है। AES पूरे वर्ल्ड में 116 MW के एनर्जी स्टोरेज प्रोजेक्ट्स को ऑपरेट करता है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, पैनासोनिक के CEO कजुहिरो टिसुगा, AES के CEO हैं एंड्रस ग्लुस्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा स्टेट PPP प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन में टॉप पोजीशन पे रहा है? करेक्ट आंसर है उत्तर प्रदेश। असोचम SREI के अकॉर्डिंग पूरे भारत में PPP प्रोजेक्ट्स में 15% शेयर के साथ हाईएस्ट पोजीशन पे रहा है। PPP एक गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर कंपनीज के बीच में एक गवर्नमेंट सर्विस है। यह सर्विस पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के स्किल्स और एसेट्स जनरल पब्लिक के यूज़ के लिए शेयर करती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, यूपी की कैपिटल लखनऊ, चीफ मिनिस्टर हैं अखिलेश यादव, गवर्नर हैं राम नायक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोड्स और कनेक्टिविटी के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक किस स्टेट को $300 मिलियन प्रोवाइड करवाएगा? करेक्ट आंसर है उत्तर प्रदेश। फिलीपींस बेस्ड मल्टीलेटरल फाइनेंसिंग एजेंसी एशियन डेवलपमेंट बैंक और यूपी गवर्नमेंट ने 400 किलोमीटर की रोड कनेक्टिविटी के लिए कंट्रीब्यूशन शेयर किया है। इसके अंतर्गत यूपी गवर्नमेंट रोड कनेक्टिविटी के लिए $128 मिलियन प्रोवाइड करवाएगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ADB के प्रेसिडेंट ताकेहिको नकाओ फाउंडेड इन 1966। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रियो ओलंपिक्स के लिए किस पहली इंडियन वुमेन जिमनास्ट ने क्वालिफाई कर लिया है? करेक्ट आंसर है दीपा कर्माकर। दीपा कर्माकर पहली वुमेन है जिन्होंने इंडियन वुमेन जिमनास्टिक के लिए ओलंपिक्स में क्वालिफाई किया है। इससे पहले इंडिपेंडेंस के बाद 11 इंडियन मेल जिमनास्ट ने ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया है। इससे पहले दीपा कर्माकर ने एशियन जिमनास्टिक चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल गेट किया है और 2015 के वर्ल्ड आर्टिस्टिक जिमनास्टिक चैंपियनशिप में 5th पोजीशन गेट की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन रेलवेज ने डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर प्रोजेक्ट को इंस्पेक्ट करने के लिए पहली बार किस टेक्नोलॉजी को इनिशिएट किया है? करेक्ट आंसर है ड्रोन। इंडियन रेलवेज इन ड्रोन्स का यूज रिमोट एक्सेस पर वेरियस फील्ड्स में कंस्ट्रक्शन वर्क्स और दूसरी कंस्ट्रक्शन स्कीम्स के अंडर वर्क्स को मॉनिटर करने के लिए करेगा। ड्रोन एक एसेंशियल फ्लाइंग रोबोट है जो कि सॉफ्टवेयर कंट्रोल्ड फ्लाइट प्लान्स के थ्रू रिमोट से हैंडल किया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, रेलवे मिनिस्टर सुरेश प्रभु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड हेरिटेज डे किस डेट को ऑब्जर्व किया जाता है? करेक्ट आंसर है 18 अप्रैल। इंटरनेशनल मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स डे, जिसे वर्ल्ड हेरिटेज डे भी कहा जाता है, हर साल 18 अप्रैल को मनाया जाता है। इस डे को सेलिब्रेट करने का मेन ऑब्जेक्टिव हमारे एंसेस्टर्स द्वारा हमारे लिए छोड़े गए वास्ट हेरिटेजेस को प्रिजर्व करना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, 2016 की थीम है द हेरिटेज ऑफ स्पोर्ट। क्वेश्चन है, ट्रेडिशनल मेडिसिन एंड होम्योपैथिक की फील्ड में कॉपरेशन को प्रमोट करने के लिए इंडिया ने किस कंट्री के साथ MOU साइन किया है? करेक्ट आंसर है मॉरिशियस। यह MOU दोनों कंट्रीज में एक्सचेंज ऑफ एक्सपर्ट्स, सप्लाई ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन सब्सटेंसेस, जॉइंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट और हेल्थ और मेडिसिन के ट्रेडिशनल सिस्टम में इंक्रीज लाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर कैबिनेट मिनिस्टर हैं जगत प्रकाश नड्डा, मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं श्रीपद यासो नायक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस
किस स्टेट ने बोरेवेल की 200 फुट से ज़्यादा की खुदाई पर प्रतिबंध लगा दिया है? करेक्ट आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र स्टेट के मोस्टली एरियाज वाटर क्राइसिस से सफ़र कर रहे हैं, इसके चलते वाटर लेवल भी डिक्रीज हो रहा है, इसलिए स्टेट ने यह डिसीजन लेते हुए कहा कि बोरवेल की 200 फीट से ज़्यादा की खुदाई नहीं की जा सकती। इन एफर्ट से मानसून तक वाटर लेवल को कंजर्व करने की कोशिश की जा रही है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई, गवर्नर हैं विद्यासागर राव, चीफ मिनिस्टर हैं देवेंद्र फडणवीस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेनका संजय गांधी ने भारत के कितने और डिस्ट्रिक्ट्स में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम लॉन्च की है? करेक्ट आंसर है 61। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 22 जनवरी 2015 को पानीपत हरियाणा में लॉन्च किया गया था और इसके इम्प्लीमेंटेशन को 1 साल कंप्लीट हो गया है। यह एक ट्राई मिनिस्ट्रियल मिनिस्ट्रीज ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट द्वारा किया गया एफर्ट है। इनिशियली इस स्कीम को 100 डिस्ट्रिक्ट्स में लॉन्च किया गया था, लेकिन अब इसे 61 मोर डिस्ट्रिक्ट्स में भी लॉन्च किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मेनका संजय गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुषमा स्वराज हाल ही में एनुअल फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग को अटेंड करने के लिए किन दो कंट्रीज के विजिट पे थी? करेक्ट आंसर है रशिया एंड ईरान। एनुअल फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग रशिया, इंडिया और चाइना के बीच हुई। ईरान विजिट का मेन एम एनर्जी में टाई अप, ऑयल और ट्रेड में एक्सप्लोरेशन। इसके साथ साथ ईरान विजिट का मेन एम ईरान में ऑयल एंड गैस में और पेट्रोकेमिकल एंड फर्टिलाइजर प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करना था। मॉस्को विजिट का मेन ऑब्जेक्टिव यूएन के द्वारा जैश मोहम्मद चीफ मसूद अजहर को बैन किए जाने पर चाइना द्वारा भारत की बिड को ब्लॉक करने के इशू को रेज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका, जापान और इंडिया ने किस फील्ड में ट्राइलेटरल एमओयू साइन किए हैं? करेक्ट आंसर है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। श्रीलंका की यूनिवर्सिटी श्री जयावर्धनापुरा ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड इंडस्ट्रियल साइंस एंड बायोमेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ जापान और डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंडिया के साथ यह एमओयू साइन किया है। इस एमओयू की हेल्प से जापान, इंडिया और श्रीलंका के बीच साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डिफेंस एक्सपो कहाँ पे आयोजित की जाएगी? करेक्ट आंसर है मलेशिया। लगभग 1000 डिफेंस कंपनीज जिसके अंतर्गत फ्रांस मेजर एयरबेस एंड यूके बेस्ड बीएई सिस्टम, बेल हेलीकॉप्टर, एसएएबी और थेल्स इस डिफेंस सर्विस एशिया एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करेंगे जो कि मलेशिया में होगी। इस एग्जीबिशन में 60 कंट्रीज से 1200 कंपनीज अपने वेपन्स के स्टैटिक इक्विपमेंट को डिस्प्ले करेंगी। इसके साथ साथ डिफेंस टेक्नोलॉजी, वेपनरी सिस्टम्स और जेनरिक सिक्योरिटी सॉल्यूशंस को भी इस 4 डे के एग्जीबिशन में शो करेगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मलेशिया की कैपिटल क्वालालंपुर, करेंसी है मलेशियन रिंगिट, पीएम है नजीब रजाक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ने टेम्परेरली कितने मंथ्स के लिए पार्शियल प्रोविडेंट फंड विद्रॉल नॉर्म्स को सस्पेंड किया है? करेक्ट आंसर है 3। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड मेंबर्स के लिए गवर्नमेंट ने अपने ईपीएफ अकाउंट से एंटायर बैलेंस को विड्रॉ करने के लिए 3 मंथ्स और एक्सटेंड किए हैं। रूल जो फेब्रवरी में नोटिफाइड किया गया था उसके अंतर्गत एम्प्लॉय की अगर जॉब चली जाती है या वो जॉब को क्विट करता है तो वह पीएफ अमाउंट विदड्रॉ नहीं कर सकता। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर बंदारू दत्तात्रेय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाटा स्टील यूके के लिए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर है बिमलेंद्रा झा। जहाँ टाटा स्टील यूरोप के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टाटा स्टील के फाउंडर दोराबजी टाटा, फाउंडेड इन 1907, हेडक्वार्टर्स हैं मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने हाल ही में 2016 का स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है? करेक्ट आंसर है नोवाक डी जोकोविक। यह अवार्ड इन्होंने तीसरी बार लगातार जीता है। इसके साथ साथ सेरेना विलियम्स ने वुमेन्स टॉप ऑनर स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड तीसरी बार जीता है। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कैबिनेट ने पेरिस एग्रीमेंट पर साइन करने के लिए अपना अप्रूवल दे दिया है। इंडिया की साइड से 22 अप्रैल 2016 को इस एग्रीमेंट पे कौन साइन करेगा? करेक्ट आंसर है प्रकाश जावेदकर। इस एग्रीमेंट पर साइन
यूएन सेक्रेटरी जनरल बान की मून द्वारा आयोजित की गई हाई लेवल सिग्नेचर सेरेमनी में किए जाएंगे। पेरिस एग्रीमेंट एक तरह का एग्रीमेंट है जो UNFCCC के अंडर ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन मिटिगेशन के साथ डील करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गवर्नमेंट ने राजीव गांधी खेल अभियान को खेलो इंडिया से मर्ज कर दिया है, मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स कौन है? करेक्ट आंसर है सर्बानंदा सोनोवाल। इसके साथ साथ इन्होंने दो और स्पोर्ट्स प्रोजेक्ट को जो यूपीए गवर्नमेंट के दौरान लॉन्च हुए थे उन्हें भी इनमें शामिल किया है, जिसमें पहला है अर्बन स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम और दूसरा है नेशनल स्पोर्ट्स टैलेंट सर्च स्कीम। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, PYKKA की फॉर्मेशन 1 अप्रैल 2008, हेडक्वार्टर्स हैं न्यू दिल्ली, हेड ऑफ द जनरल काउंसिल ऑफ PYKK हैं सर्बानंदा सोनोवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितनी फॉरेन कंट्रीज के साथ यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम पर MOU साइन किए हैं? करेक्ट आंसर है 10। MOU साइन बहरान, कुवैत, नेपाल, साउथ कोरिया, श्रीलंका, वियतनाम और ब्रिक्स नेशन के साथ यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज करवाने के लिए किया गया है। इंटरनेशनल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम डिफरेंट कंट्रीज के यूथ के बीच आइडियाज़ के एक्सचेंज को प्रमोट करेगा। ये प्रोग्राम्स कंट्रीज के बीच पीस और अंडरस्टैंडिंग को प्रमोट करने के साथ साथ फ्रेंडली रिलेशंस को भी स्ट्रेंथ देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग में कैपेसिटी बिल्डिंग, बेंचमार्किंग और बायलेटरल एक्सचेंज की फील्ड में टेक्निकल कॉपरेशन पर इंडिया ने किस कंट्री के साथ MOU साइन किया है? करेक्ट आंसर है भूटान। यह MOU 2007 में हुई इंडिया भूटान फ्रेंडशिप ट्रीटी को आगे बढ़ाने के लिए साइन किया गया है। यह MOU वेरियस एरियाज जैसे एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड टेक्निकल रिसर्च और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन को कवर करेगा। इसके साथ साथ दोनों कंट्रीज के बीच एक हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन प्रोजेक्ट भी चल रहा है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, भूटान की कैपिटल थिम्फू, करेंसी है भूटानीज गुलतरुम, किंग है जिग्मे खेसर नामग्येल वांगचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंटेन स्ट्राइक कॉप्स को प्रिपेयर करने के लिए इंडिया $700 मिलियन के प्राइस पर कितने M777 होविट्जर्स खरीद सकता है? करेक्ट आंसर है 145। यह डिसीजन इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर मनोहर पारिकर और उनके US काउंटर पार्ट एस्टन कार्टर द्वारा मेक इन इंडिया प्रोग्राम के अंडर लिया गया। BAE सिस्टम एक ब्रिटिश मल्टीनेशनल डिफेंस सिक्योरिटी और एरोस्पेस कंपनी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, BAE के CEO ईयान किंग हेडक्वार्टर्स हैं UK, फाउंडेड इन November 30, 1999। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस स्टेट गवर्नमेंट द्वारा दीनदयाल जन आवास योजना नोटिफाइड की गई है? करेक्ट आंसर है हरियाणा। इस स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव लो और मीडियम पोटेंशियल टाउन्स में हाई डेंसिटी प्लॉटेड कॉलोनीज को डेवलप करना है। इन सारे प्रोजेक्ट्स को लाइसेंस ग्रांट की गई डेट से 7 साल के अंदर अंदर पूरा होना आवश्यक होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, हरियाणा के CM मनोहर लाल खट्टर, कैपिटल है चंडीगढ़, गवर्नर हैं कप्तान सिंह सोलंकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया की क्या रैंक रही है? करेक्ट आंसर है 133। कंट्रीज की एनुअल रैंकिंग प्रीवियस ईयर के कंट्रीज प्रेस फ्रीडम के ऑर्गेनाइजेशन कंपाइलेशन पर बेस्ड है। फिनलैंड इस लिस्ट में कंटिन्यूअसली 6 टाइम टॉप पोजीशन पे रहा है। 2015 में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक 136 रैंक थी। रिपोर्ट्स कंट्री में न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन और जर्नलिस्ट के लेवल ऑफ फ्रीडम्स को शो करती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, रिपोर्ट पब्लिश बाय रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा स्टेट 303074 प्री एक्टिव कैशलेस फार्मर हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड्स को इश्यू करने का प्रोसेस बिगिन कर रहा है? करेक्ट आंसर है पंजाब। यह प्रोसेस भगत पूरन सिंह सेहत बीमा योजना के तहत स्टार्ट होगा। इस स्कीम की हेल्प से फार्मर और उसकी फैमिली ₹50,000 तक ट्रीटमेंट के लिए हेल्थ कवर अप ले सकती है और हेड ऑफ द फैमिली के डेथ के केस में 5 लाख तक का कंपनसेशन ले सकती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़, चीफ मिनिस्टर हैं प्रकाश सिंह बादल, गवर्नर हैं कप्तान सिंह सोलंकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंट्री में 2016 पुलित्जर प्राइज विनर्स को अवार्ड दिया गया? करेक्ट आंसर है US। ये अवार्ड्स न्यूज़पेपर, ऑनलाइन जर्नलिज्म, लिटरेचर और म्यूजिकल कंपोजिशन की फील्ड में अचीवमेंट के लिए दिए गए।
इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, पुलित्जर प्राइज 1917 में सबसे पहली बार दिए गए थे, यह अवार्ड कोलंबिया यूनिवर्सिटी द्वारा प्रेजेंट किए गए थे, ये 2016 के पुलित्जर प्राइज विनर्स की लिस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओबामा ने किस इंडियन अमेरिकन को चार्ड के यूएस एनवॉय के रूप में नियुक्त किया है? करेक्ट आंसर है गीता पासी। वे अभी ब्यूरो ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एट द डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट में कैरियर डेवलपमेंट एंड असाइनमेंट्स की डायरेक्टर ऑफ ऑफिस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गवर्नमेंट ने रबर बोर्ड के चीफ के रूप में किसे नियुक्त किया है? करेक्ट आंसर है ए अजीत कुमार। उन्हें 31 मई 2018 तक के लिए अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बीसीसीआई के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर है राहुल जौहरी। इस असाइनमेंट से पहले जौहरी डिस्कवरी नेटवर्क पर साउथ एशिया के लिए एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट और जनरल मैनेजर थे। बीसीसीआई दिसंबर 1928 को एस्टेब्लिश हुई थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, बीसीसीआई प्रेसिडेंट शशांक मनोहर, सेक्रेटरी हैं अनुराग ठाकुर, हेडक्वार्टर्स हैं मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंट्री ने इस्कंदर टेक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट फायर किया है? करेक्ट आंसर है रशिया। इसे कपुस्तिन यार, जो कि अस्ट्राखान में प्रैक्टिस रेंज है, वहां से लॉन्च किया गया। इस्कंदर ने 40 से 50 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पे फ्लू किया। ये मिसाइल 500 किलोमीटर की दूरी तक स्मॉल साइज और लार्ज एरिया टारगेट्स को हिट कर सकती है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, रशिया की करेंसी रशियन रूबल, प्राइम मिनिस्टर हैं दिमित्री मदेवदेव। फर्स्ट क्वेश्चन है, किन दो स्टेशंस के बीच बुलेट ट्रेन सी के अंदर ट्रेवल करेगी? करेक्ट आंसर है मुंबई टू अहमदाबाद। मुंबई से अहमदाबाद के बीच 508 किलोमीटर के लॉन्ग हाई स्पीड रेल कॉरिडोर में सी के अंदर 21 किलोमीटर का लॉन्ग टनल बनाया जाएगा। इस कॉरिडोर का मोस्टली पार्ट एलिवेटेड ट्रैक पर होगा। इस प्रोजेक्ट की एस्टिमेटेड कॉस्ट 97,636 करोड़ रुपीज़ है। इस प्रोजेक्ट की 81% फंडिंग जापान से लोन की फॉर्म में आएगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, रेलवे मिनिस्टर सुरेश प्रभु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉट और फ्लड से किस स्टेट को सेंट्रल असिस्टेंस के लिए यूनियन गवर्नमेंट ने हाल ही में एक हाई लेवल कमेटी मीटिंग फ्रेम की है? करेक्ट आंसर है पॉन्डिचेरी, अरुणाचल प्रदेश और कर्नाटका। कमेटी ने 842.7 करोड़ रुपीस का सेंट्रल असिस्टेंस कर्नाटका, पॉन्डिचेरी और अरुणाचल प्रदेश के लिए ग्रांट किया है। इसमें से कर्नाटका को 723.23 करोड़ रुपीस का सेंट्रल असिस्टेंस मिलेगा, जबकि पॉन्डिचेरी को 35.14 करोड़ रुपीस का सेंट्रल असिस्टेंस मिलेगा और 84.33 करोड़ रुपीस का सेंट्रल असिस्टेंस अरुणाचल प्रदेश को मिलेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, यूनियन होम अफेयर मिनिस्टर राजनाथ सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूनियन गवर्नमेंट द्वारा स्टार्टअप्स, एक्सपोर्टर्स एंड इंपोर्टर्स और अदर स्टेक होल्डर्स के इश्यूज को एड्रेस करने के लिए कौन सी सर्विस लॉन्च की गई है? करेक्ट आंसर है ट्विटर सेवा। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में एक स्पेशल ट्विटर सेल क्रिएट की गई है। इस सेल के जरिए मिनिस्ट्री 48 to 72 वर्किंग आवर्स में क्वेरीज का रेस्पॉन्ड करने का ट्राई करेगी। ये क्वेरीज डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स और डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन के मैटर से रिलेटेड होगी। इन क्वेरीज का आंसर इस सर्विस के द्वारा दिया जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री निर्मला सीतारमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिपार्टमेंट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? करेक्ट आंसर है दीपम। डिपार्टमेंट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट, जो कि फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर रन होता है, उसका नाम बदलकर डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट रख दिया गया है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में डीपम भी कहा जा सकता है। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ने इसकी अनाउंसमेंट 2016-17 के बजट स्पीच में की। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, डिपार्टमेंट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट फाउंडेड इन 1999, हेडक्वार्टर्स हैं न्यू दिल्ली। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर हैं अरुण जेटली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्टेट हाई कोर्ट ने प्रेसिडेंट रूल को खारिज कर दिया है? करेक्ट आंसर है उत्तराखंड हाई कोर्ट। स्टेट में प्रेसिडेंट रूल 27 मार्च को लगा था। कोर्ट की डिवीजन बेंच ने यह डिसाइड किया है कि 29 अप्रैल को उत्तराखंड असेंबली में एक फ्लोर टेस्ट भी होगा, जहां पर फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हरीश रावत मेजोरिटी सपोर्ट होने का क्लेम भी करेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं,
उत्तराखंड की कैपिटल देहरादून, गवर्नर हैं के पॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूनियन गवर्नमेंट ने लार्जेस्ट पॉल्यूटेड लेक को क्लीन करने के लिए 800 करोड़ रुपीज़ प्रोवाइड करवाए हैं, उस लेक का क्या नाम है? करेक्ट आंसर है बेलांदूर लेक। यूनियन गवर्नमेंट ने ये फंड अमृत स्कीम के अंडर प्रोवाइड करवाया है। ये लेक बेंगलुरु सिटी में लोकेटेड है। बेंगलुरु सिटी में इसके अलावा 262 लेक्स और हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, बेंगलुरु को गार्डन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। यह इंडिया की पहली ऐसी सिटी है जहां पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर भी सिचुएटेड है। इसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट द्वारा 1906 में शिवाना समुद्रा में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WHO की रिपोर्ट के अनुसार वर्ल्ड में कौन सा ऐसा रीजन है जहां पर मलेरिया पूरी तरह से एलिमिनेट हो गया है? करेक्ट आंसर है यूरोप। यूरोप वर्ल्ड का ऐसा पहला रीजन है जहां पर मलेरिया पूरी तरह से एलिमिनेट हो गया है। रिपोर्ट के अनुसार 1995 में यूरोप में 90,712 मलेरिया केसेस थे, जो कि 2015 में रिड्यूस होकर 0 पर आ गए हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्टर जनरल हैं मार्गरेट चैन, फाउंडेड इन 1948, हेडक्वार्टर्स हैं स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीसफुल नेगोशिएशन के लिए किस कंट्री के साथ इंडियन गवर्नमेंट बॉर्डर इश्यू को सेटल करने के लिए एग्री हो गई है? करेक्ट आंसर है चाइना। दोनों साइड्स के पास 3,488 किलोमीटर की लॉन्ग लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, जो कि अभी तक अनडिमार्केटेड है। इसीलिए दोनों नेशंस पीसफुल नेगोशिएशंस के साथ बॉर्डर इशू को सेटल करने के लिए एग्री हो गए हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, चाइना की कैपिटल बीजिंग, प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग, करेंसी है रेनमिनबी, इंडियन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे फ्रेंच ऑनर से सम्मानित किया गया है? करेक्ट आंसर है तारा गांधी भट्टाचार्य जी। तारा गांधी भट्टाचार्य जी, जो कि महात्मा गांधी की ग्रैंड डॉटर हैं, उन्हें फ्रांस के हाईएस्ट ऑनर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह ऑनर उन्हें प्रोमोटिंग पीस, सॉलिडेरिटी, कल्चर, एजुकेशन और डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूशन के लिए दिया गया है। उन्हें यह ऑनर फ्रेंच एम्बेसडर फ्रेंकोइस रिचियर द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगोलिया में भारत के अगले एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर है टी सुरेश बाबू। वे अभी अर्मानिया में इंडिया के एम्बेसडर हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मंगोलिया की कैपिटल उलान बातर, करेंसी है मंगोलिया टोगरोग, प्रेसिडेंट है साकिया जिन एल्बेक डॉर्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम नरेंद्र मोदी ने 10th सिविल सर्विस डे किस डेट को इनॉग्रेट किया? करेक्ट आंसर है 21 अप्रैल। पीएम मोदी ने सिविल सर्वेंट्स को गवर्नमेंट द्वारा शुरू किए गए प्रायोरिटी प्रोग्राम्स जैसे प्रधानमंत्री जनधन योजना, स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छ विद्यालय और सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम्स के इम्प्लीमेंटेशन में एक्सीलेंस के लिए अवार्ड से सम्मानित किया। यह पहली बार है जब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एक्सीलेंस के लिए एक्सीलेंस की नई कैटेगरी को प्राइम मिनिस्टर अवार्ड्स में शामिल किया गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू।